हेलो गाइस, आबे रसोई में आपका स्वागत है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप गोल रोटी पूरी फूली हुई। ये हम पलट के देख लेंगे नीचे से की है या नहीं। रोटी सॉफ्ट और मुलायम बनी रहेगी। अब इसे हम डायरेक्ट गैस फ्लेम पे देखेंगे। रोटी तवे पे भी सेंक सकते हैं। रोटी तवे पे सेकने का सही तरीका है, इसमें बबल्स आ जाते हैं एक साइड, उसके बाद समझिए रोटी सेक गई है एक साइड तवे पे। उसके बाद हम इसे पलटेंगे, पलटने के बाद दूसरी साइड से भी अच्छे से सेकेंगे, उसके बाद रोटी अच्छे से फूलेगी। तवे पे रोटी अच्छे से सेकना चाहिए गैस फ्लेम पे थोड़ी देर। जितनी तवे पर अच्छी सिकी होगी उतनी गैस फ्लेम पर भी अच्छी सिकेगी, फूलेगी। इसे हम बारी बारी से पलट के देख लेंगे किधर कच्ची है। अब इसे हम डायरेक्ट गैस फ्लेम पे सेकेंगे, ये अपने आप फूलेगी गुब्बारे की तरह। पूरा गोल लोटा फुल का चपाती इस हिसाब से हम सारी रोटी बारी बारी तवे पे डालेंगे और सेंकते जाएंगे।